साथियों नमस्कार, मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हो कि वंदना अमित पौधशाला जो कि बरुआ सागर में स्थित है, हमारे बीच में प्रोप्राइटर जी बैठे हैं और जानते हैं इनसे कि आखिरकार कौन कौन से पौधे की प्रजाति यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं। साथियों वंदना अमित के पौधशाला के हमारे बीच में संचालन कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जिनका भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया गुलाबचंद कुशवाहा। गुलाबचंद कुशवाहा जी, सेवा आप कब से दे रहे हो यहाँ पर बरुआ सागर कंपनी बाग में? बरुआ सागर में हमारा ये पैतृक काम रहा है, हमारे यहाँ हमारे पिताजी करते थे, इसके बाद हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया है और ये काफ़ी लगभग 25 साल से हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं। लोगों को नए नए तरीके के पौधे दे रहे हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटी वाले पौधे दे रहे हैं, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, मेडिसिन प्लांट और गार्डन प्लांट्स, सब तरह के प्लांट हम लोग उपलब्ध कराते हैं यहाँ। आप जानना चाहते हैं, दिखा सकते हो आप पौधे अपने? ये वैरायटी आंध्रा वाली है, इसका नाम केसरी है। ये एक साल में फल दे देता है। इस पौधे का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, अपने बुंदेलखंड में ये सर्वाइव किया हुआ है, बहुत अच्छा फ्रूट देता है। ये कटहल है, ग्राफ्टेड कटहल, ये आंध्रा से आता है, बहुत अच्छी नस्ल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में और ज़्यादा फ्रूटिंग देने वाला प्लांट है। ये ग्राफ्टेड कटहल है, ये मार्केट में बहुत अच्छा चलता है। इधर ग्राफ्टिंग है इसकी, ये 3 साल में फ्रूटिंग इसका चालू हो जाता है। ये एप्पल बेर है, अपने बुंदेलखंड में जो पुराना व्यवसाय होता जा रहा है उसको नए टेक्निक में बदलने के लिए नई तकनीक से ये वैरायटी बनाई गई हुई है, इसको एप्पल बेर कहते हैं। ये अपने भारत में लगभग बहुत अच्छी किस्म है, बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन है। ये एप्पल बेर है, बिल्कुल एप्पल की तरह इसका फल आता है और एकदम बढ़िया फल आता है, किसानों को इससे बहुत फायदा होता है। ये अमरूद है, लखनऊ 49 वैरायटी है, ये अपने एरिया में, अपने बुंदेलखंड में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये फल देती है। लखनऊ से ये वैरायटी आती है, लखनऊ 49 इसका नाम है और ये मीडियम फल देती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसका और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी है, किसानों को इससे बहुत फायदा हुआ है। बरुआ सागर में लगभग 90% किस्म लखनऊ 49 की लगाई गई है, लोग लखनऊ 49 ही लगाते हैं सबसे ज़्यादा। ये कोकोनट है, नारियल का पेड़ है, ये कलकत्ता से आता है, इसका अपने इधर बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, लोग इसको बहुत ज़्यादा लगा भी रहे हैं और इसका प्रोडक्शन भी मिल रहा है, लोग इसका फल भी, कहीं कहीं फल भी आया है, कहीं कहीं शो प्लांट में भी इसको यूज़ कर रहे हैं लोग। ये भैया काजू का पेड़ है, ग्राफ्टेड काजू है, ये अपने यहाँ ये नई वैरायटी आई है, बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन है और लगभग हमने इस पौधे को लगभग 3 साल से इसको बेचना चालू किया है ग्राफ्टेड वाले को। देसी वाला तो हर किसान, हर लोग, हर नर्सरी वाले के पास मिलेगा, लेकिन इस 3 साल से मैं ग्राफ्टेड ला रहा हूँ। ये इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, ये 3 से 4 साल में जहाँ से हम लोग लाते हैं वहाँ के लोग बताते हैं 3 से 4 साल में इसका प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन अपने बुंदेलखंड में इसका 5 साल में फल आना चालू हो गया है। और पेड़ को जिसको आप देख रहे हो, ये बादाम का पेड़ है, अपने बुंदेलखंड में इसको सो ऑर्नामेंटल के रूप में लगाते हैं, लेकिन इसका फल भी आना चालू हो गया है। ये हाइब्रिड वैरायटी है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, यहाँ लोग लगा रहे हैं, फल भी आ रहा है इनमें और छाया भी इनकी अच्छी हो रही है, लोग छाया के पर्पज़ से और फल के पर्पज़ से, दोनों पर्पज़ से लगा रहे हैं इसको। इस पेड़ को आप देख रहे हैं, ये लीची का पेड़ है, ये कलकत्ता से आता है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, फ्रूटिंग नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, 1 साल में फ्रूटिंग आ जाएगी इसकी और फल भी ये बहुत अच्छे तरीके से देता है। ये अपने बुंदेलखंड में सर्वाइव किया हुआ पेड़ है, ये बहुत अच्छे तरीके से फल देता है और बहुत ज़्यादा फल देता है, इसको बस बशर्ते इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी इसको ज़्यादा लगता है। इस पेड़ को आप जिसको देख रहे हैं, ये मौसम्बी का पेड़ है, ये अपने बुंदेलखंड में नींबू वर्गीय पौधों में आता है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बुंदेलखंड में बहुत अच्छा सर्वाइव किया हुआ है। इसका नाम चौन्नी छाप वैरायटी है, ये वैरायटी का नाम चौन्नी छाप मौसम्बी है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसका बुंदेलखंड में। वैरायटी आप देख रहे हो,
ये तरह तरह की वैरायटियां हैं, ये इंडोर प्लांट है, ऑर्नामेंटल में इंडोर प्लांट है, ये कमरों के अंदर लगाए जाते हैं और इनको लोग शुभ भी मानते हैं। इस चीज को मैं भी मानता हूँ कि ये शुभ पौधे होते हैं, जैसे विष्णु कमल हुआ, लक्ष्मी कमल हुआ, पौरचूला हुआ, गुजमानिया हुआ, कैलेंड्रा हुआ, कैक्टस हुआ और कैक्टस की ये जो आप वैरायटी देख रहे हो ये पपीता है। इस पपीते का नाम है टिशू कल्चर वैरायटी, रेड लेडी वैरायटी है, टिशू कल्चर पपीता है। इसमें वैरायटी का नाम है उभयलिंगी वैरायटी। इस पौधे में हर पौधे में फल आता है और ये 3 से 6 महीने के अंदर इसका फ्रूट चालू हो जाता है। ये जो वैरायटियां आप देख रहे हैं ये पाम की वैरायटी है, फॉक्सटेल पाम है, बॉटल पाम है, सैम्पियन पाम है। ये हर तरह के गार्डनों के लिए उपलब्ध है, ये हमारे यहाँ हर तरह के गार्डनों के लिए पौधे उपलब्ध हैं, हर वैरायटी के पौधे उपलब्ध हैं, जैसे फाइकस हुआ, बॉटल पाम हुआ, बनाना पाम हुआ, कोई भी वैरायटी हर जगह हर समय उपलब्ध है और ज़्यादातर किचन गार्डन के लिए हमारे यहाँ हर तरह के पौधे मिलते हैं। अभी आपने वंदना अमित पौधशाला के संचालन कर रहे हमारे भाई से पूरी व्यवस्थाओं के बारे में, एक एक पौधे की नस्ल के बारे में आप सभी को भैया ने जानकारी दी। धन्यवाद देते हैं इस पौधशाला के अंदर जितनी भी यहाँ आप सभी को पौधा दिखाया, पूरे बुंदेलखंड के अलावा भारत के कोने कोनों में इनका पौधा जाया करता है। मुझे विश्वास है कि इनके अंदर भी वो एक से एक पौधा और भी एक हर जगह कोने कोने में इनका पौधा यहाँ से जाए और लगे। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता मार्केट संवाद, झांसी।